जो तेरी दुल्हन शादी के 4 दिन बाद सोने चांदी के जेवरात लेकर हुई गुम, युवक को लगी 3 लाख की चपत। जिले के सकरिया लुटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक युवक को शादी का झांसा देकर अपना शिकार बना लिया। इन लोगों ने युवक से सोने चांदी के जेवरात सहित अब 3 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत आज अपनी एक रिश्तेदार महिला के साथ एसपी ऑफिस में दर्ज कराते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और उसके पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मंजूर में जिला हाथरस के रहने वाले हैं, तहसील शासनीय ग्राम लुटसाना है। अच्छा, आज शिवपुरी एसपी कार्यालय आई हैं, आप क्या समस्या लेके आई हैं? मेरी ये समस्या थी, इस महेंद्र ने हमारे साथ फ्रॉडगिरी की थी और इसने बोला था कि हम लड़के की शादी करा देंगे, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। तो उसने हमसे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र करवाए थे और बाकी के पैसे उसने किस्तों में लिए थे। और जो लड़की है चांदनी, वो बोलता है कि ये मेरी साली है और वो जीजा बोलती है, लेकिन ना तो वो साली है ना वो जीजा है, वो यही काम करते हैं लोगों को ठगने का। महेंद्र से कैसे संपर्क हुआ आपका? महेंद्र से मेरा संपर्क हुआ था, एक सिवा है उड़ीसा का, उसी के साथ आया था वो। महेंद्र कहाँ का है? महेंद्र शिवपुरी का है। किस जगह पर रहता है शिवपुरी में? शिवपुरी वो रहता है ये जो हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के पास है वो, और गुना बाईपास के पास। तो कितना समय हो गया शादी को? इस शादी को हो गए लगभग 6-7 महीने हो गए। तो अभी गई है क्या वो? नहीं नहीं, महिला वो गई थी सन 2023 में, 25 तारीख को शादी हुई थी नवंबर में, और वो गई थी, 4 दिन रुकी थी, और 4 दिन के बाद उसने अपने जीजा पे कॉल किया, और जीजा को कॉल करने के बाद में, बताने के बाद में, वो लड़की लैट्रिन करने गई और लैट्रिन के बहाने चीज बत्त और पैसे लेके गायब हो गई। कहाँ से, किस जगह से गायब हुई है? वो हुई है वहाँ से बुलंदशहर से। बुलंदशहर से शिकारपुर? शिकारपुर नहीं, सॉरी, जहंगीराबाद। जिला कौन सा है? जिला है हम उनका बुलंदशहर। बुलंदशहर तो कुछ लेके गई है क्या है? जी हाँ, 5 तोले सोना है, 250 ग्राम चांदी है और 20,000 रुपये नगद है। तो आपने शिवपुरी का जो सगाई कराई थी उससे बातचीत की? उनसे बातचीत की थी हमने, कई बार कॉल किया तो उन्होंने बोला वो आ जाएगी, हम लेके आएंगे, आ जाएगी। उन्होंने हम पे 5,000 रुपये भी डलवाई किराए के लिए, हमने दिए, लेकिन वो लेके नहीं पहुँचे। और एक बार मैं उसको बेला फुसला के लेके भी गई थी कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मैं तुझे लेके चलती हूँ, मैं अपनी गारंटी पे, वो पहुँच भी गई, लेकिन वो लड़की वहाँ से पैसे लेके फिर भाग आई दोबारा। तो आपने इसकी शिकायत अपने नजदीकी थाने वगैरह में की थी? जी हाँ, नजदीकी थाने में है, वो है जहंगीराबाद के पास ही है, उसमें भी थाने में, लेकिन मैंने नहीं कराई थी, जो मेरी बेटी के देवर है उन्होंने कराई थी। तो बेटी के देवर की शादी कराई थी? जी हाँ। आपने कराई थी? जी हाँ। तो वो लोग आप पे प्रेशर बना रहे हैं क्या? वो मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट डाल दी है। अच्छा, कि अच्छा। हमारा पैसा आपकी वजह से फंसा है, हमें आप पैसा दे दो। अब मैं कहाँ से दूँ? अगर मैं लेती खाती तो मैं देती, तो मैं उस इंसान को क्यों ना पकड़ूँ जो डुप्लीकेट काम कर रहा है, फर्जी काम कर रहा है, उसे पकड़ो। तो अभी मिली हैं आप उससे, शुपरी का रहने वाला? नहीं, वो नहीं मिला मुझे। नहीं मिला? नहीं, वो फोन भी नहीं उठाता है। अच्छा अच्छा और क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, हमारे जितने पैसे उसने लिए हमें पैसे वापस मिल जाएं, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कि आगे को ये लोग फर्जी काम ना कर सके, किसी को ना लूट सके। लड़की कहाँ की थी जो सजा? लड़की शिवपुरी, सॉरी, वहाँ की है, रायपुर ध्रुव की है। रायपुर ध्रुव की, चांदनी नाम है उस लड़की का, चांदनी चौहान। चांदनी चौहान। आपके बेटी के देवर का नाम क्या था? उसका नाम निरंजन। निरंजन। कुल मिला के राशि कितनी होगी? 1 लाख। एक हमारी राशि कम से कम 3 लाख की है।